नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त हम जम्मू जिले के झाझा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिकरडी मोड़ के पास मौजूद है। नवनिर्मित थाने का भवन है जो निर्माणाधीन है। इस वक्त साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा इसका जो शिलान्यास है वो कराया गया था। और साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये निर्माणाधीन है और कार्य जो है अब तक ये सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कार्य की गुणवत्ता है और जो यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं उस पर एक बड़ा सवालिया निशान इस वक्त खड़ा हो चुका है। बता दें कि यहाँ के जो मुंशी हैं उन पर ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी मिलीभगत से यहाँ के जो नाइट गार्ड हैं वो यहाँ जो निर्माणाधीन कार्य है उसमें जो लगने वाली सामग्री है, चाहे बात सीमेंट की हो, छड़ की हो या गिट्टी की हो, देर रात उसको यहाँ से ले जाकर बेचा जाता है या फिर जो भी कहे चोरी किया जाता है। ग्रामीणों ने तो हालांकि साफ कर दिया कि यहां से चोरी किया जा रहा है, वो भी मुंशी के द्वारा, क्योंकि ट्रैक्टर के डाला की भी पहचान ग्रामीणों ने कर ली है। कोई गीतकों के अमित कुमार यादव हैं जो यहां के मुंशी बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि की है और साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि इसके पहले भी चोरी की वारदात यहाँ पर हुई है और ये आरोप ग्रामीणों के मथे मढ़ दिया जाता है जो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे सहयोगी के माध्यम से कि डाला रखा हुआ है और गिट्टी जो है उससे निकालने का प्रयास किया जा रहा था, चूंकि डाला जो है गीली माटी होने के कारण, हल्की बारिश के बाद गीली माटी होने के कारण डाला जो है पूरी तरह से फंस गया था। और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से टायरों के निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी कि ट्रैक्टर जो है देर रात निकाले जाने के कारण ये बुरी तरह से यहाँ पर धंस गया था और फलस्वरूप स्थिति ये हुई कि ट्रैक्टर का डाला जो है यहाँ पर फंस गया। और गिट्टी को निकालने के बाद जब यहाँ पर ट्रैक्टर के डाला को निकालने में जो वाहन चालक थे वो समर्थ नहीं हो पाए तो ट्रैक्टर के डाला को खोलकर इंजन को वाहन चालक लेके फरार हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने यहाँ के मुंशी, यहाँ के नाइट गार्ड और जो ट्रैक्टर चालक थे, जो वाहन चालक थे, उनसे संपर्क साधने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं होने के कारण अंततः ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष राजेश रण को इसकी सूचना दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष राजेश रण ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारी SI शंकर दयाल राव को मौके पर भेजा। हालांकि देखिए, ये पूरी तरह से कार्रवाई का तो विषय है ही, लेकिन जाँच का भी विषय है कि ये तो पहली वारदात देखने को मिल रही है, लेकिन इसके पहले भी कई तरह की बातें हुई होंगी जो ग्रामीणों के आँख से कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, प्रशासन के आँख से छुपी हुई थी। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि निर्माण जो हो रहा है वो थाने का निर्माण हो रहा है और थाने का निर्माण होने में लगने वाली सामग्री को यहाँ के मुंशी ही अगर चोरी करते हैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है बिहार सरकार के ऊपर भी, जो संवेदक है उनके ऊपर भी। हालांकि ग्रामीणों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा रोष है, ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया कि कार्रवाई की मांग करते हैं और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है ग्रामीण जो है उग्र आंदोलन भी करने को बाध्य हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। सिकरडी मोड़ पे जो थाना जो बनने जा रहा है न्यू निर्मित से, यहाँ पे कई दिनों से सब मुंशी मैनेजर लोग सब चोरी चपाटी कर रहे थे, जिसमें कि मुंशी मैनेजर खुद अपने से चोरी कर करके इस एरिया को, गांव ग्रामीण को, सबको मतलब बदनाम किया जाता था। पिछले बार कुछ बालू भी चोरी हुआ जिसमें कि कुछ अगले आदमी को फंसाया गया, जिसमें कि अगर उसके पास बालू का चला नहीं रहता तो उसको आज जेल भोगना पड़ता। उसके बाद कुछ पिछले दिन फिर मोटर चोरी हुआ, उसमें भी ग्रामीण लोग को फंसाया गया। तो हम लोग सोचे कि अगर इस तरह अपने से चोरी कर करके जो ग्रामीण लोगों को जो फंसाया जा रहा है, तो हम लोग 10 गो 5 गो लड़का जो ऐसे हम लोग एक्टिव हो गए कि इस लोग को चोरी कौन करता है, उसको पकड़ना है। तो गार्डिंग करते हुए रात में चोरी 2 बजे 3 बजे से ये लोग लगा था, जो कि रात में 3-4 ट्रैक्टर जो है सो गिट्टी लोग छड़ देखिए बगल में रखा हुआ है। हाँ। सब चोरी वगैरह किया, मतलब पहले वो पहुंचा चुका था। हाँ, रात में चोरी को लोड हमसे लोड करके जब निकलेगा तब इसको पकड़ा जाएगा। अच्छा। लोडिंग करके जब निकला तब तक हम लोग सब लड़का लोग को सब बुलाए, तो बुलाने के बाद देखते हैं ट्रैक्टर उधर फंस गया था। ट्रैक्टर देखिए बगल में गड्ढा भी देख सकते हैं, दिखा लीजिएगा आप। तो गड्ढा में निकाला, फिर टेलर काट करके फिर इसको टेलर में खींच के इसको सीधा किया, फिर उठाने का प्रयास किया, जब गाड़ी उठा नहीं उठा। हाँ। उसके बाद वो ट्रैक्टर गिट्टी देखिए खाली किया है। हाँ। खाली करके वो सोचा टेलर जो कि वो अपना टेलर लेके वो चल जाता। हाँ। तब तक आदमी सब जोर हो गया, अभी हवाला हुआ, जो जब पूछताछ करने लगे तो वो गाड़ी लेके फरार हो गया। गिट्टी ले जा रहा था, गिट्टी बगल में छड़ भी रखा हुआ आपका है, वो रखा हुआ था। ये गाड़ी आपका अमित जी का है, गिद्को का, वो जैसे की देख रेख में उसी का, इसमें देख रेख में काम है, मुंशी के तौर पर उसको रखा गया है। और उसमें रात में जो नाइट गार्ड है वो आपका अभय जी है, वो रात में वो भी फरार है, उसको भी फोन लगाए तो उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। हम लोग के इलाके में थाना बनना बहुत बड़ी किसी सपना के संग है, हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि कभी हम लोग के इलाके में थाना बनेगा, लेकिन बन रहा है और सब मुंशी मैनेजर मिल के इसको चोरी करके सरकार को किसी ने खराब कर रहा है कि जब ने सब सामान बेच रहा है, गिट्टी बालू सब बेच रही है।
और किस पे संदेह? ये मुंशी यार के जब ने नाइट गार्ड मिला हुआ मुंशी है कि जब अमित कुमार यादव है धोबी विधको का आप लोग यहाँ पे देखे एक बार भी उनको काम? हाँ काम बहुत बार आए हैं। हाँ आते हैं दिन में आते हैं शाम में आते हैं। आप लोग जब देखे कि चोरी होने की वारदात ये सब आप लोगों को सूचना जब मिला आप लोग पहुंचे तो उनको संपर्क नहीं किया? हाँ संपर्क किए, उसके बाद बोले हमको कि आ रहे हैं उसके बाद स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल छे कि मेरा गाड़ी है। अच्छा हमारा ड्राइवर से हम पूछताछ कर रहे हैं कि मेरा गाड़ी कैसे गया वहाँ। अच्छा। बोले कि रात में यदि चोरी हो रही थी वहाँ पे और आपसे बिना पूछे हुए चल गया ड्राइवर और अरे पर डे हो रहा 10 ट्रक कम से कम गिट्टी चोरी हुआ है यहाँ से। हाँ 10 ट्रक कई बार चोरी हो चुका है हर बार और प्रत्येक बार इलाके को बदनाम करता है। मैनेजर हाय हाय मैनेजर हाय हाय इलाके को चोर बनाना छोड़ दो इलाके को चोर बनाना छोड़ दो मैनेजर चोरी करता है मैनेजर चोरी करता है इलाके को बदनाम करना छोड़ दो मुझसे मैनेजर मुर्दाबाद मुंशी मैनेजर नाइट गार्ड मुर्दाबाद। अमित जी बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं अमित। कुमार हर्ष बात कर रहे हैं नेशन न्यूज से। जी बोलिए। अमित जी एक द्वारपहाड़ी के पास एक थाने का निर्माण कराया जा रहा है और उसमें क्या मुंशी के रूप में आप ही कार्यरत है क्या वहाँ पे? हम मेरे देखरेख में काम हो रहा है। अच्छा वो आपकी ही देखरेख में काम हो रहा है? जी दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि कल रात एक ट्रैक्टर चालक जो है अपनी ट्रैक्टर से कुछ गिट्टी और छड़ और सीमेंट को चोरी कर ले जा रहे थे और जब ग्रामीण जो है वो ट्रैक्टर चालक को पकड़ने के लिए दौड़े तो वो डाला खोलकर अपना इंजन लेकर फरार हो गया वहां से। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आपको जब वो लोग कॉल कर रहे थे फोन ऑफ आ रहा था सुबह में, इस पर क्या आपको कहना है? आप अपना पक्ष रखिए, इसी के लिए हमने कॉल किया। देखिए ट्रैक्टर जो है जो मेरे साइड पर मेरा ही ट्रैक्टर पिछले एक साल से जब भी जरूरत पड़ा है तो वहाँ चलते आ रहा है। ठीक है काम कर रहा है, वहाँ रहता भी था। कभी ऐसा भी कंडीशन आया कि चार दिन ट्रैक्टर मेरा वहाँ रह जाता था, क्योंकि हम कहीं इधर उधर चलाते नहीं, थोड़ा बहुत काम अगर मिला या अपना काम है तो चलाते ना तो नहीं चलाते नहीं। ठीक है ड्राइवर के हैंड ओवर ही गाड़ी रहता है मेरे घर पर। आप 4-5 साल हो गया गाड़ी, लेकिन ड्राइवर का जिसके घर पर कल उसके घर पर, मतलब ड्राइवर जब ड्राइवर चढ़ता है बदलते रहता है। ठीक है ड्राइवर के हैंड ओवर में था, ड्राइवर को कुछ काम था उधर गया था बुड़वा, हमको जानकारी नहीं दिया। ठीक है 2-3 दिन से काम लगभग 1 सप्ताह से इधर हालवल में भी चलाया कुछ दिन। ठीक है हाल में चलाया, उसके बाद जो है संज्ञान में हमको देता नहीं था, ये ड्राइवर का नेचर होता है। ठीक है तो गया और मैं वहाँ जो नाइट गार्ड है, नाइट गार्ड से सांड गार्ड किया। क्या नाइट गार्ड की कोई अजय यादव करके कोई है क्या? अभय यादव है, यादव। है हाँ। हम मेरा ही मतलब सारा चीज जो भी आदमी वहाँ है जो भी साइड पर है एक साल से है, मेरे ही कहने पर वो रहा भी है। ठीक है तो साइड पर जो मतलब नाइट गार्ड था वो लोग क्या मिली भगत था, सुबह जब हमको पता चला फोन किए फोन उसका ऑफ आ रहा है, घर भी नहीं गया है, कहाँ गया है, ड्राइवर का भी पता नहीं है, गाड़ी का मेरा इंजन का भी तक पता नहीं है। तो ये परिस्थिति है। अब मान लीजिए कि काम तो एक साथ से चल रहा है तो उसमें मान लीजिए कि किसका क्या है, ड्राइवर है लेबर है किसका क्या हुआ, ये तो कॉन्ट्रैक्टर और हम लोग चुनाव भी लड़े हैं, कुछ पॉलिटिकल आदमी भी इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगे हुए हैं, जैसा मुझे पता चला कि इसकी छवि को बदनाम किया जाए। नहीं ठीक है वो बात अलग है, पॉलिटिकल छवि की बात अलग है। नहीं अमित जी सुनिए, गीली माटी होने के कारण ही ट्रैक्टर का डाला वहाँ पर फंसा और उसके बाद वो ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। हम ये जानना चाह रहे हैं क्या ड्राइवर आपके पास बहुत सालों से काम कर रहा है या फिर ड्राइवर आपने हाल फिलहाल चेंज किया? ट्रैक्टर का अस्थाई होता नहीं। अच्छा अस्थाई नहीं होता, आज का जो चला रहा है कल चलाएगा कि नहीं हमको पता है, ड्राइवर को भी नहीं पता है। स्पॉट पे क्यों नहीं गए? अगर यही बात थी तो आप स्पॉट पे सुबह आपको जाना था ना, चूंकि देखरेख में आपका काम हो रहा था और आपके ऊपर जिम्मेवारी थी तो आप सुबह जाते, आप क्यों नहीं गए आखिर? स्पॉट पर जाना था, स्पॉट पर फोन से चूंकि बात हम वहाँ मिस्त्री है उससे कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ जाके क्या करना है हमको, तो फिर पहले इंजन खोजना है मेरा इंजन का।